राइट्स और एतिहाद रेल ने संयुक्त अरब अमीरात और व्यापक क्षेत्र में रेलवे और संबंधित बुनियादी ढांचा सेवाओं के विकास में सहयोग और समन्वय स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राइट्स एतिहाद रेल साइन मोर टू एक्सप्लोर कोऑपरेशन एंड सिनर्जाइज स्ट्रेंथ्स इन डेवलपिंग रेलवेज एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज इन द यूएई एंड वाइडर रीजन। आरवी एनकॉन लिमिटेड को भारत के साथ साथ विदेशों में विभिन्न परियोजना स्थलों और कार्यालयों में अनुबंध पर सक्षम इंजीनियरों, तकनीकी और अन्य मानव संसाधनों की आपूर्ति के लिए 173.5 करोड़ रुपए का कार्य अनुबंध दिया गया है। आरवी एनकॉन लिमिटेड हैज बीन अवार्डेड द वर्क कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्थ 173.5 करोड़ रुपीज फॉर सप्लाइंग कंपिटेंट इंजीनियर्स टेक्निकल एंड अदर ह्यूमन रिसोर्सेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट टू डिफरेंट प्रोजेक्ट साइट एंड ऑफिस इन इंडिया एज वेल एज ओवरसीज। वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में टाटा मोटर्स समूह की वैश्विक थोक बिक्री, जिसमें जगुआर लैंड रोवर भी शामिल है, 3,04,189 इकाई रही, जो वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही से 11% कम है। यात्री वाहनों की संख्या 1,30,753 रही, जो वित्त वर्ष 24 की दूसरी तिमाही की तुलना में 6% कम है। टाटा मोटर्स ग्रुप ग्लोबल होलसेल्स इन Q2 FY 2025 इंक्लूडिंग जगुआर लैंड रोवर वर एट 3,04,189 नंबर्स डॉट 11% लोअर देन Q2 of FY 2024। पैसेंजर व्हीकल्स वर एट 1,30,753 नंबर्स डॉट लोअर बाय 6% एज कंपेयर टू Q2 FY 2024। कृष्णा डिफेंस को रक्षा मंत्रालय से महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष वेल्ड उपभोग्य सामग्रियों की आपूर्ति के लिए 88.41 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। कृष्णा डिफेंस बैग्ड एन ऑर्डर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर द सप्लाई ऑफ स्पेशल वेल्ड कंज्यूमेबल्स टू बी यूज फॉर क्रिटिकल प्लेटफॉर्म वर्थ 88.41 करोड़। अरविंद स्मार्ट स्पेसेज लिमिटेड ने घोषणा की है कि उसने बेंगलुरु में एक नए आवासीय अपार्टमेंट प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका कुल अनुमानित बिक्री योग्य क्षेत्रफल 4.2 लाख वर्ग फीट है और इसकी टॉपलाइन क्षमता 600 करोड़ रुपए है। अरविंद स्मार्ट स्पेसेज लिमिटेड अनाउंस दैट इट हैज साइंड अ न्यू रेसिडेंशियल अपार्टमेंट प्रोजेक्ट इन बेंगलुरु विद अ टोटल एस्टिमेटेड सेल। अरविंद स्मार्ट स्पेसेज लिमिटेड ने घोषणा की है कि उसने बेंगलुरु में एक नए आवासीय अपार्टमेंट प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका कुल अनुमानित बिक्री योग्य क्षेत्रफल 4.2 लाख वर्ग फीट है और इसकी टॉपलाइन क्षमता 600 करोड़ रुपए है। अरविंद स्मार्ट स्पेसेज लिमिटेड अनाउंस दैट इट हैज साइंड अ न्यू रेसिडेंशियल अपार्टमेंट प्रोजेक्ट इन बेंगलुरु विद अ टोटल एस्टिमेटेड सेलेबल एरिया ऑफ 4.2 लाख स्क्यू फूड एंड अ टॉपलाइन पोटेंशियल ऑफ 600 करोड़। अलेम्बिक फार्मा ने पनवेल स्थित अपनी ऑनकोलॉजी फॉर्मुलेशन सुविधा के लिए USFDA निरीक्षण पूरा कर लिया है। निरीक्षण बिना किसी फॉर्म 483 अवलोकन के पूरा हुआ। अलेम्बिक फार्मा कंप्लीट्स उस्फदा इंस्पेक्शन फॉर इट्स ऑनकोलॉजी फॉर्मुलेशन फैसिलिटी लोकेटेड एट पनवेल। इंस्पेक्शन कंप्लीटेड विदाउट एनी फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशन। वेलस्पन एंटरप्राइजेज को बृहन मुंबई नगर निगम से धारावी WWTF से घाटकोपर WWTF तक तृतीयक उपचारित जल संवहन सुरंग के डिजाइन और निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र प्राप्त हुआ है। वेलस्पन एंटरप्राइजेज हैज रिसीव्ड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टर्टरी ट्रीटेड वाटर कन्वेयंस टनल फ्रॉम धारावी WWTF टू घाटकोपर WWTF फ्रॉम बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। हुंडई ने भारत में $3 अरब के IPO की कीमत 1,865 से 1,960 रुपए प्रति शेयर तय की। हुंडई प्राइसेस $3 बिलियन इंडिया IPO एट 1,865 से 1,960 रुपीज पर शेयर।
पीएम मोदी आज महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपए की प्रमुख बुनियादी ढांचा स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी टू लॉन्च की इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर प्रोजेक्ट वर्थ 7,600 रुपए करोड़ इन महाराष्ट्र टुडे। ELNN कैफे मुंबई में अपना पहला भारतीय आउटलेट खोलेगा जो उच्च श्रेणी के कैफे की बढ़ती लहर में शामिल होगा। LN कैफे टू ओपन फर्स्ट इंडिया आउटलेट इन मुंबई जॉइनिंग ग्रोइंग वेव ऑफ हाई एंड कैफेज। भारत दक्षिण कोरिया के बांड सितंबर 2025 से FTSE रसेल EMGB सूचकांक में शामिल होंगे रॉयटर्स। इंडिया साउथ कोरिया बॉन्ड्स टू जॉइन FTSE रसेल EMGB इंडेक्स स्टार्टिंग सितंबर 2025। रॉयटर्स यूनियन के साथ वार्ता बिना किसी समझौते के साथ।